नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में की फायरिंग, एक नागरिक की मौत, 10 घायल। रात 2 बजे से लगातार गोलीबारी। वन रैंक वन पेंशन में बदलाव के खिलाफ पूर्व सैनिक, सेना प्रमुख से बातचीत नाकाम, 2 अनशनकारियों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में दाखिल। गुजरात में स्थिति सामान्य, कई शहरों से हटा कर्फ्यू, आज से खुले स्कूल, कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन की मांग। कटक की सरदार पटेल अस्पताल में 7 दिन में 35 नवजात शिशुओं की मौत, लापरवाही का आरोप, 3 FIR दर्ज। भारत और श्रीलंका के बीच आज से आखिरी टेस्ट, दूसरे टेस्ट में जीत के बाद भारत के हौसले बुलंद, सीरीज जीतने का लक्ष्य। बड़ी खबर है सीज फायर उल्लंघन को लेकर। पाकिस्तान से ताजा फायरिंग में जम्मू के आरएसपुरा में एक नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बल रात 2 बजे से लगातार अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बना रहे हैं। सीमा पार से भारी हथियारों से गोलीबारी हो रही है। बीएसएफ भी इसका माकूल जवाब दे रही है। 25 अगस्त को भी नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में एक JCO शहीद हो गया था। अगस्त में पाकिस्तान 50 से ज़्यादा बार संघर्ष विराम तोड़ चुका है। इस साल अब तक करीब 250 बार सीमा पार से फायरिंग हो चुकी है। अपडेट लेते हैं, शक्ति शर्मा हमारे साथ जम्मू से स्थानीय पत्रकार जुड़े हैं। शक्ति, क्या जो फायरिंग है वो 2 बजे से जारी है, अभी भी फायरिंग हो रही है और मौतों के बारे में क्या पता लग पाया है? जी बिल्कुल, रात 1:45 बजे के करीब जब ये फायरिंग शुरू हुई तो मर जोरिया, बालाजाल, अब्दुलिया और साथ में जो आरएसपुरा का ये सेक्टर है, तमाम पूरे सेक्टर में करीब 5-6 गांव जो इसके नजदीक पड़ते हैं सीमा के, इन तमाम गांवों में रात को 1:45 बजे से लेकर अभी तक जो है वो फायरिंग हो रही है और इस वक्त तक भी फायरिंग जो है वो जारी है। और मैं पता चलूं कि अभी तक 13 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं, 2 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक पहुंची है। लोगों को अभी तक अस्पताल में वो है भर्ती करवाया गया है जो लोग घायल है। लेकिन अभी तक फायरिंग की अगर हम बात करें तो इस पूरे गांव में, जिनके मैंने नाम लिए, तमाम गांव में इस वक्त भी फायरिंग जो है वो चल रही है। जैसे कि पिछले दिनों राजौरी और पुंछ इलाका में फायरिंग की गई थी, तो अब पुंछ से हटके थोड़ा जम्मू आरएसपुरा के सेक्टर में निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा और अभी तक भी फायरिंग जो है वो चल रही है। जी हम देख रहे हैं अब लगातार नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान गांव को निशाना बना रहा है। अब आरएसपुरा, जैसे आप बता रहे हैं, अब रुख आरएसपुरा की तरफ कर लिया गया है, अब एहतियात क्या बढ़ता जा रहा है? 2 लोगों की मौत हो गई है, किस तरह के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो? जी बिल्कुल, जबकि आरएसपुरा के तमाम सेक्टर जिनके जिनमें इस वक्त फायरिंग हो रही है, जो सीमावर्ती इलाका पड़ते हैं, उन तमाम इलाकों में इस वक्त पूरी तरह से एहतियात जो है लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फायरिंग जो है वो लगातार है, जिससे सुरक्षा बलों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों में ले जाने में भी काफी मुश्किल आ रही है। हालांकि कुछ लोग जो है वो नजदीकी कहीं इलाकों में ही छुपे हुए हैं, लेकिन छुपने की जगह भी उन लोगों को नहीं। शक्ति शर्मा स्थानीय पत्रकार जम्मू से जुड़े बता रहे हैं, रात 2 बजे से फायरिंग जारी है आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से और ये फायरिंग अभी भी लगातार जारी है। शक्ति शर्मा ने 2 मौतों की पुष्टि कर दी है और ये दोनों ही आम नागरिक हैं जो मारे गए हैं। कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी कोशिश इस समय है कि आम लोगों को दिक्कत ना हो और जो गाँव वाले हैं उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाया जाए। 50वीं बार अगस्त में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन। उधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए जबकि 1 आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी का नाम सज्जाद अहमद है, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुजफ्फरगढ़ इलाके का बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से आई ये तस्वीरें आतंकियों के लिए करारा जवाब है। बुधवार रात से चली आ रही इस मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि सज्जाद अहमद नाम के 1 आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। सज्जाद पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला है। अब पाकिस्तान को किसी भी रूप से
हम लोग बरी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट जो है सीधा साधा उसको आम आदमी भी जानता है कि अब क्या है, उसका क्या रोल रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से हमारे लिए उपलब्धि है और इसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। एक ही महीने में ये दूसरी दफा है कि किसी पाकिस्तानी आतंकी को भारत की सरजमी पर पकड़ा गया है। इससे पहले 5 अगस्त को उधमपुर हमले में पाकिस्तान के रहने वाले नवेद नाम के शख्स को पकड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रुख गुजरात का, जहां सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बाद अब हालात नियंत्रण में हैं, जनजीवन अब फिर से पटरी पर लौट रहा है। कई शहरों से कर्फ्यू हटा लिया गया है और स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। गुजरात हिंसा पर राजनीति जारी है। विपक्ष अब एक सुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। कांग्रेस विधायकों ने कल राज्यपाल से मुलाकात भी की। कांग्रेस पार्टी का साफ साफ कहना है कि सरकार इस मामले पर पूरी तरह से विफल रही है। 25 तारीख को जब हार्दिक पटेल और उनके साथियों ने कहा कि हम अनशन पर बैठे हैं, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने एट्रोसिटीज की और परिस्थिति एकदम काबू के बाहर हो गई। किसने ये ऑर्डर्स किए? या होम मिनिस्टर ने किए, चीफ मिनिस्टर्स ने किए? उधर सरकार लगातार लोगों से शांति की अपील कर रही है। डेफिनेटली एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन विच टेक्स अप द वायलेंस एज अ मींस इज नॉट गोइंग टू बी इन एनी मैनर पॉजिटिव फॉर द कंट्री एंड पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी एंड इज गोइंग टू हेल्प द डेवलपमेंट। आरक्षण की मांग पर अड़ा पटेल समाज दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी पुलिस प्रशासन पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कहा है कि पुलिस निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल थी। कोर्ट ने सवाल किया कि अगर पुलिस ऐसा करती है तो दंगाइयों और रक्षकों के बीच क्या फर्क है। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी, अहमदाबाद। और उधर पटेल समुदाय के आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। राज्यसभा टीवी के संवाददाता विशाल धैया से खास बातचीत में हार्दिक ने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या मांग है सीधे सीधे शब्दों में पटेल समुदाय की तरफ से सरकार को? पिछले 10 सालों से जिस प्रकार पटेल समुदाय को जॉब में, एजुकेशन में, फार्मर को जिस प्रकार नुकसान हो रहा है, हमारी से भी इतनी मांग है कि 27% जो ओबीसी कोटा है यहाँ पर गुजरात में, उसे हमें शामिल किया जाए। जो जातियाँ उस आरक्षण में हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के कुछ छिटपुट बयान आए हैं कि शायद वो इस बात को स्वीकार ना कर पाएं कि उनका जो हिस्सा है उस 27% में, उस हिस्से में से पटेल समुदाय को भी अकोमोडेट किया जाए। 1000 लोग कहेंगे तो भी आप नहीं दे सकते, लेकिन आज 50-55 दिनों में 80 लाख लोग रोड पर आए कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। तो मैं मानता हूँ गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को अपने संविधान में चेंज करना चाहिए इसके बारे में। आपका क्या संदेश है अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको? जीएमडीसी ग्राउंड पर जितने भी पुलिस अधिक उनको सस्पेंड किया जाए, 302 के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाए। जहां जहां पर हमारे बच्चों की हत्या शहीद हुए, हमारे बच्चे शहीद कहेंगे हम उन्हें, वो शहीद हुए उन बच्चों के एरिया में जो PI हो, PSI हो, जो कांस्टेबल हो, उन सबको सस्पेंड किया जाए। 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए और उनको परिवार को मुआवजा देना चाहिए। और अगले दिनों में वक्त देखकर हम हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे और ये आंदोलन जारी है अहिंसा के मार्गों पर। हार्दिक पटेल का कहना है कि वो राजनीति में शामिल नहीं होंगे, आएंगे नहीं, लेकिन राजनीति से दूर भी नहीं रहेंगे। कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, अहमदाबाद। विशाल दहिया हमारे साथ अहमदाबाद से सीधा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। विशाल, अब हालात में आप कितना बदलाव देख पा रहे हैं? तमाम जगह से कर्फ्यू भी हटा लिया गया है और खास तौर से जिस तरह की चेतावनी आपने हार्दिक पटेल से बात की उन्होंने दी है, इसे लेकर इसे कितनी गंभीरता से सरकार ले रही है, क्या कोशिशें जारी है फिलहाल? देखिए, सरकार ने अभी तक कोई, जैसे कहा जाए कि सीधी बातचीत या कोई सीधा जवाब हार्दिक पटेल या फिर वो लोग जो के इस आंदोलन को
लीड कर रहे हैं, हार्दिक पटेल के साथ हैं, उनको कोई उनकी मांग को लेकर कोई सीधा जवाब पिछले 24 घंटों के आसपास से नहीं दिया है। हालांकि इससे पहले सरकार साफ कर चुकी है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो जो उनकी मांग आरक्षण को लेकर है उसको मान नहीं सकती है। और जहां तक पुलिस कार्रवाई की बात है तो मुख्यमंत्री और गृहमंत्री जो राज्य के हैं उन दोनों ने पहले ही साफ किया था कि उन लोगों ने कोई आदेश नहीं दिया था ऐसा कोई एक्शन लेने के लिए, और सीधे तौर पर एक इंडिकेशन थी कि भाई ये शायद पुलिस अधिकारियों की तरफ से स्वयं लिया गया एक्शन है, लेकिन उस पर भी एक इंक्वायरी ऑर्डर करने की बात कही गई है। और उसके अलावा सरकार ने कहा है सीधे तौर पर कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन शायद इतना सब कहना जो पटेल समुदाय के लोग हैं उनके लिए काफी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जो लोग मारे गए हैं इस पूरे हिंसक वारदात के दौरान उनके परिजनों के लिए भी कॉम्पनसेशन की मांग की है। और जो बेसिक मांग जो आरक्षण की जो थी उसको लेकर जिस तरह से संकेत कल हमने जब बातचीत की हार्दिक पटेल से तो जो संकेत हमें मिले उससे सीधे तौर पर ये साफ नजर आ रहा था कि हार्दिक पटेल और उनके जो साथी हैं वो थोड़ा सा अपनी टैक्टिक जरूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अपने स्टैंड से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आज शायद हार्दिक पटेल, ऐसी संभावना है कि आज हार्दिक पटेल दिल्ली की तरफ रवाना हो, और उनका जो मकसद है वो है बाकी जो समुदाय हैं, बाकी जो जातियां हैं अलग अलग राज्यों में जो कि पटेल समुदाय की तरह आरक्षण की मांग कर रही हैं, उनसे बातचीत करना, शायद एक लार्जर फोरम बनाने की जो कोशिश हार्दिक पटेल और उनके साथी करना चाहते हैं, और इसी के तहत गुज्जर नेताओं से भी बातचीत उनकी चल रही है, और शायद कुछ जाट नेताओं से भी मिलने की हार्दिक पटेल अपनी तरफ से कोशिश में है कि आंदोलन को एक अलग लेवल पर लेकर जाएं। इस बीच उन्होंने अल्टीमेटम भी सरकार को दिया हुआ है, लेकिन इन सब के बीच गुजरात में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बाद अब हालात सामान्य है, कई जगह से कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। इस पूरे अपडेट के लिए विशाल दहिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन रैंक वन पेंशन पर बीती रात पूर्व सैनिकों ने सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग से फिर मुलाकात की, लेकिन बैठक में किसी समाधान पर नहीं पहुंचा जा सका। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा कि उचित समय पर इसे लागू करने का ऐलान होगा। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग से मिलने के बाद पूर्व सैनिकों ने कहा कि वो वन रैंक वन पेंशन में किसी बदलाव के खिलाफ हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि इस मसले को सातवें वेतन आयोग के भरोसे नहीं छोड़ा जाए, संसद से मंजूर इसकी परिभाषा में भी बदलाव नहीं होना चाहिए। पूर्व सैनिक पिछले साल 1 अप्रैल से इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। One is the definition must be stuck to, means followed in letter and spirit, in sacrosanct. Two, the date of implementation effectiveness will be at 1/4/14 which has been sanctioned. Three, we were looking for a date from which this letter will be issued by the government. So these are the three issues and we are maintaining those issues. गुजरात दौरे पर गए रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन को सरकार सक्रियता से सुलझाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री जी के पास चला गया, उसके बाद में उसके ऊपर मैं कुछ घोषणा करना बराबर नहीं हो, तो वो कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं, इतना मुझे मालूम है। अभी केवल क्या कितना कैसे इसके बारे में चर्चा चालू है। भूख हड़ताल कर रहे दो और पूर्व सैनिकों को कल अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं पूर्व फौजियों के कुछ परिजन भी कल आमरण अनशन पर बैठ गए। भूख हड़ताल का आज 13वां दिन है, जबकि जंतर मंतर पर 76 दिन से आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को बहाने बनाने की बजाय इसे तुरंत लागू करना चाहिए। सैनिकों को उनका अधिकार दीजिए, सैनिकों के साथ न्याय करिए, सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन दीजिए, बहाने बनाने बंद करिए, सैनिकों के अधिकार को राजनीतिक जुमला मत बनाइए। ओआरओपी से 22 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलवामा और सोपोर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की पीडीपी बीजेपी सरकार को मौका परस्त सरकार करार दिया। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को संसद में उठाने की बात कही है।
कश्मीर के पुलवामा में किसानों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने राज्य की पीडीपी बीजेपी सरकार के गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन करार दिया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर यूपीए की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि ये जो कोएलिशन है ये अपॉर्चुनिस्टिक कोएलिशन है और ये आपको मदद करने का कोएलिशन नहीं। इससे पहले कल राहुल गांधी ने बालकोट में सीज फायर से पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द बांटा। राहुल गांधी का लद्दाख जाने का भी कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल पटना में नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। दोनों नेताओं के निशाने पर केंद्र सरकार रही। बीजेपी ने दोनों नेताओं की इस मुलाकात को अवसरवादी करार दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री के बुलावे पर पटना पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार के सुशासन की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाया। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी और काम में बिना वजह हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। चुनाव जो भी पार्टी जीते, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर दोनों के बीच में टकराव होता है तो ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन पिछले 6 महीने से जिस तरह से दिल्ली सरकार को एक के बाद एक केंद्र सरकार टांग अड़ाती जा रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इधर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन को अवसरवादी करार दिया है। केजरीवाल जी ने इस गठबंधन के साथ हाथ बढ़ा करके ये भ्रष्टाचार का जो मुहिम है वो उसके पर्याय बनते जा रहे हैं। वो तो अपनी बड़ाई करते रह गए, गूंज किनकी क्या सुनाई पड़ती है, हम भी सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक शब्द भी बिहार सरकार की उपलब्धि के संबंध में नहीं कहा। पटना पहुंचे अरविंद केजरीवाल को विरोध भी झेलना पड़ा। बिहार में इस साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बिहार दौरा अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने देश के 98 शहरों को स्मार्ट सिटीज में तब्दील करने का फैसला ले लिया है। उत्तर प्रदेश के 13 शहरों के साथ सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटीज वाला राज्य होगा। 24 राजधानियों समेत सभी राज्यों का कम से कम एक शहर स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना पर अगले 5 साल में 48,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विश्व स्तरीय सुविधाएं, उच्च गुणवत्ता वाली जीवन शैली वाले शहर का सपना साकार होने का रास्ता साफ हो गया है। देश भर में प्रस्तावित 98 स्मार्ट सिटीज की लिस्ट केंद्र सरकार ने जारी की। 20 शहरों को इसी वित्तीय वर्ष में पैसा मुहैया कराया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय अगले 5 साल तक इन शहरों को हर साल 100 करोड़ रुपए देगा। राज्य सरकारों की भी खर्च में बराबर की हिस्सेदारी होगी। गाइडेंस के हिसाब से प्रदेश सरकारों ने अपना अपना स्टेट में इंटरनल कंपटीशन करके, असेसमेंट करके, पैरामीटर्स के आधार पर उन्होंने इस शहरों का उन्होंने सिफारिश किया। इसमें 2 अभी छूट गया, एक जम्मू कश्मीर ने कहा उनको और कुछ समय चाहिए, वो भी मेरे ख्याल से जल्द हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 13वीं नवंबर के बारे में कुछ और भी जानकारी हमने मांगा उत्तर प्रदेश सरकार से, वो जानकारी आने के बाद वो भी फाइनलाइज करेंगे। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 13 शहर, जिनमें राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, झांसी, बनारस जैसे शहर स्मार्ट सिटीज में शामिल हैं। तमिलनाडु के चेन्नई समेत 12 शहर, गुजरात में 6, हालांकि बिहार में राजधानी पटना को छोड़कर 3 शहर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, जबकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता को छोड़कर 4 शहरों को स्मार्ट सिटीज के तौर पर विकसित किया जाएगा। आप और हम जो कल्पना स्मार्ट सिटी की करेंगे तो उसमें बिजली हो, पानी हो, कूड़ा ना हो, बिजली की तारें ना जा रही हो, कहीं अच्छा एक पार्क हो, आप खुद ही सोच लीजिए आपको जो जो चीज़ें एक अच्छे डिसेंट क्लीन वातावरण के लिए चाहिए वो सब चीज़ें होनी चाहिए, तो इंक्रोचमेंट तो हटेंगी। पहले चरण में इस प्रोजेक्ट के लिए जिन शहरों का चुनाव किया गया है उनमें 24 राजधानियां, 24 बिजनेस हब, 19 कल्चरल सेंटर शामिल हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। देश में पिछले कुछ सालों में प्रसव के दौरान होने वाली माता और बच्चे की मृत्यु की दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल कॉल टू एक्शन समिट 2015 में ये बातें कही।
उन्होंने कहा कि देश के 184 ऐसे जिलों को चुना गया है जिनमें स्वास्थ्य के लिए ज्यादा संसाधन देने की जरूरत है। पहली बार अमेरिका से बाहर आयोजित ग्लोबल कॉल टू एक्शन समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत पर चिंता जताई। हालांकि प्रधानमंत्री ने देश में पिछले सालों की तुलना में प्रसव के दौरान माता और शिशु की मृत्यु दर में कमी को स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक कदम बताया। Our focus has been to get pregnant women to have a safe delivery in our institutions. We launch an ambitious program, Janani Suraksha Yojana, where incentives were given for delivering in public institutions to the beneficiaries directly. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के शिशु और मातृ स्वास्थ्य के मामलों पर वैश्विक प्रयासों में हमेशा भागीदारी की है। यही नहीं, पोलियो जैसी बीमारी को मिटाकर भारत ने अपनी प्रतिबद्धता भी साबित की है। India has always partnered with the global efforts on issues of child and maternal health. India is the first country to respond to the global commitment to reduce newborn mortality subsequent to the launch of global every newborn action plan. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष का भी उद्घाटन किया। सम्मेलन में 24 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के उपायों पर चर्चा होगी। रविंद्र सिंह चौराण, राज्यसभा टीवी। कटक के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में 7 दिन में 35 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। गुरुवार को अस्पताल में 5 बच्चों की मौत हुई। पूर्वी भारत में अस्पताल शिशुओं का सबसे बड़ा अस्पताल है। इतनी मौतों के बाद ओडिशा सरकार ने अस्पताल में डॉक्टर बढ़ाने का फैसला किया है। यहाँ 48 डॉक्टरों के मुकाबले कई सालों से 20 डॉक्टर ही हैं। हर दिन यहाँ औसतन 300 मरीज आते हैं जिनमें से 50 को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। पीड़ित परिवारों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 3 FIR भी दर्ज कराई हैं। सरकार और केंद्रीय मजदूर संगठनों के बीच 2 सितंबर की हड़ताल वापस लेने पर सहमति नहीं बन पाई है। आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठन BMS ने हड़ताल पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है। हालांकि वाम दलों और कांग्रेस से जुड़े मजदूर संगठन अब भी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल अंतिम फैसला आज शाम को सभी संगठनों के नेताओं की बैठक में लिया जाएगा। केंद्रीय मजदूर संगठनों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली और 4 और महत्वपूर्ण मंत्रालयों की 2 दिन की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन सरकार के लिए राहत की बात यह है कि आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठन BMS ने सरकार की कोशिशों को सकारात्मक बताया है। BMS अभी तक मुखर होकर सरकार की आलोचना कर रही थी। भारतीय मजदूर संघ ऐसा मानता है कि हम कोई हड़ताल के लिए हड़ताल नहीं, अच्छी पहल उन्होंने करी है। जिनको लेबर पॉलिटिक्स करनी है, लेबर के नाम से पॉलिटिक्स करनी है, उनको चीज़ें अलग दिखती होंगी, अलग बात है, बट सरकार ने एक अच्छी पहल करी है। वहीं वामदलों से जुड़े मजदूर संगठन सरकार से न्यूनतम वेतन, ठेकेदारी प्रथा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस आश्वासन चाहते हैं। अब न्यूनतम मजदूरी सरकार को समझाना पड़ रहा है, न्यूनतम मजदूरी है क्या? हमारे जो है पर डे 137 रुपये की डेली, अब वो न्यूनतम नहीं हो सकता है, हमारी मांग है 15,000 रुपये की। केंद्रीय मजदूर संगठन आज बैठक करेंगे, इसमें सरकार के आश्वासन और हड़ताल पर विचार किया जाएगा। उम्मीद यही है कि वामदलों और कांग्रेस से जुड़े संगठन हड़ताल पर कायम रहेंगे। लेकिन BMS के इस हड़ताल में शामिल होने पर अब अनिश्चितता है। 2 सितंबर के हड़ताल के जरिए केंद्रीय मजदूर संगठन सरकार के प्रस्तावित श्रम सुधार कानूनों के खिलाफ भी दबाव बनाना चाहते हैं। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। देश में मॉनसून की कमी बढ़कर 12% पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में स्थिति बहुत खराब है। यहाँ 50% से कम बारिश हुई है। देश के 51% इलाकों में सामान्य बारिश हुई है, लेकिन पिछले हफ्ते से इसमें 7% की कमी आई है। 36% इलाकों में कम बारिश हुई है। कोंकण और गोवा में 38% और मध्य महाराष्ट्र में 32% कम बारिश हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 36% और पंजाब में 31% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इस बार कम बारिश का अनुमान लगाया था। जून में 16% ज़्यादा बारिश हुई थी।
जुलाई में 17% और अगस्त में अब तक 10% कम बारिश हुई है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बाढ़ से पैदा हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। प्रधानमंत्री को खत लिखकर मुख्यमंत्री गोगोई ने जल्द से जल्द सहायता राशि देने की अपील की है, साथ ही सरकार की तरफ से पहले से घोषित रकम को भी जारी करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री गोगोई ने दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तार से जानकारी दी। असम में बाढ़ से अब तक 27 लोग मारे गए हैं और 8.5 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। केंद्र भी जल्द ही अलग अलग मंत्रालयों की एक टीम असम में भेजकर बाढ़ के हालात की समीक्षा करेगी। You see, my demand is, one is the money for the last, whatever you committed, you release it. Right. Whatever the money, that's for the last year. Rest year, of course, we are demanding 500 crore. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने गिरते निर्यात पर चिंता जताई है। कोलकाता में कल कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि पारंपरिक वस्तुओं का निर्यात 1992 से 2014 के बीच करीब आधा हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचे का विकास, कर सुधार, श्रम कानून में सुधार और व्यापार की अड़चने दूर करने का वक्त की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। Our export performance is crucially linked to the performance of its domestic manufacturing sector. India has the potential to manufacture and export a wide variety of goods, from the world's cheapest indigenous cars to Mangalayaan. India has proved its mettle time and again. Still, India's share in global exports is a mere 1.7% and manufacturing output as a percentage of GDP is around 13%, much lower than its Asian competitors. Germany ne ganga safai abhiyan mein sahyog ki ichcha jatayi hai. Europe ke Rhine nadi ko saaf karne mein istemal ki gayi takneek ko Uttarakhand mein ganga ke ek hisse ko saaf karne ke liye peshkash ki gayi hai. बर्लिन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जर्मनी की इस पेशकश का जिक्र किया। विदेश मंत्री ने स्वच्छ गंगा अभियान और स्वच्छ विद्यालय पहल में दिल खोलकर योगदान करने की अपील की। अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने पूर्व मंत्री मखदूम अमीन फहीम के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही एफआईए को आदेश दिया है कि वो गिलानी और फहीम को 10 सितंबर को कोर्ट के सामने पेश करे। लीबिया में प्रवासियों से भरे एक नौका के डूबने से 200 लोगों के मारे जाने की आशंका है। सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक नौका पर 400 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि कल देर शाम तक लीबिया के तटरक्षक बलों ने 201 लोगों को बचाया है, जिनमें से 147 को अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। बात क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच आज से कोलंबो में अंतिम टेस्ट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर भारतीय टीम दूसरा टेस्ट जीतकर जोश से भरी हुई है और इस मैच में कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। देश शहीदों को नमन कर रहा है। दिल्ली में एक महीने के लिए विजय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव ने 1965 में युद्ध का रूप ले लिया था। 5 अगस्त 1965 को करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार करके कश्मीर में घुस आए थे। पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हमलों का भारत की फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया और बाद में पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत हुआ। केरल में आज ओणम का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ओणम की बधाई दी है। केरल में ओणम 10 दिन तक मनाया जाता है। ये फसल कटाई का पर्व है। किसान नई फसल का स्वागत करते हैं। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
पाकिस्तान ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में की फायरिंग, 3 नागरिकों की मौत, 16 घायल, रात 2 बजे से लगातार गोलीबारी। वन रैंक वन पेंशन में बदलाव के खिलाफ पूर्व सैनिक, सेना प्रमुख से बातचीत नाकाम, 2 अनशनकारियों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में दाखिल। गुजरात में स्थिति सामान्य, कई शहरों से हटा कर्फ्यू, आज से खुले स्कूल, कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन की मांग। कटक के सरदार पटेल अस्पताल में 7 दिन में 35 नवजात शिशुओं की मौत, लापरवाही का आरोप, 3 FIR दर्ज। और भारत और श्रीलंका के बीच आज से आखिरी टेस्ट, दूसरे टेस्ट में जीत के बाद भारत के हौसले बुलंद, सीरीज जीतने का लक्ष्य।